अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू एपिसोड 29 ऑफ कानूनदान्स वीकली केस लॉ बुलेटिन। हर हफ्ते की तरह इस एपिसोड में भी हम लास्ट वीक में रिपोर्ट की गई मेजर जजमेंट्स को आप तक पहुंचाएंगे और इनमें डिस्कस किए गए मेन इश्यूज को एनालाइज करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थ्रू इट्स सेक्रेटरी वर्सेस शब्बीर हुसैन एंड अदर्स। ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सिविल अपील के तौर पर पेश किया गया। इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी जिसमें उन्होंने अपेलेंट की जानिब से फाइल की गई सिविल रिविजन को डिसमिस कर दिया और लोअर कोर्ट की जानिब से दी गई जजमेंट्स को अपहोल्ड किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मेन इशू था, वो ये कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 41 में किस रूल की एक्सेप्शन है और इसका क्या स्कोप है। इस अपील को अलाउ करते हुए कोर्ट ने हाई कोर्ट की जजमेंट को सेट असाइड कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी लॉ का रूल है कि कोई भी शख्स किसी को भी कोई ऐसा टाइटल या राइट कन्फर नहीं कर सकता जो कि उसके पास मौजूद टाइटल से बेहतर हो। इसके अलावा ये एक प्रिंसिपल है कि ही गिव्स नॉट हु हैज़ नॉट, यानी कि कोई शख्स किसी को वो चीज़ नहीं दे सकता जो उसके पास हो ही ना। अलबत्ता ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 41 में इस रूल की एक एक्सेप्शन दी गई है। ये एक्सेप्शन एक इक्विटेबल प्रिंसिपल पर बेस्ड है जो कि कहता है कि अगर दो इनोसेंट लोगों को किसी थर्ड पार्टी के फ्रॉड की वजह से सफ़र करना हो तो इसका लॉस उस शख्स पर फॉल करना चाहिए जिसके पास ये फ्रॉड रोकने की अपॉर्चुनिटी थी। अलबत्ता इस एक्सेप्शन पर रिलाई करने के लिए ट्रांसफरी को चार कंडीशंस एस्टैब्लिश करने होंगे। पहला ये कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला ट्रांसफरर प्रॉपर्टी का ऑस्टेंसिबल ओनर था या ज़ाहरी तौर पर वो प्रॉपर्टी का ओनर था। दूसरा ये कि ट्रांसफरर प्रॉपर्टी के ऑस्टेंसिबल या ज़ाहरी ओनर असली ओनर के एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट से बने थे। तीसरा ये कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए कंसिडरेशन दी गई थी। और चौथा और आखिरी कंडीशन ये है कि ट्रांसफरी ने गुड फेथ में एक्ट किया और उसने ये पता लगाने में रीजनेबल केयर ली कि क्या ट्रांसफर के पास इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की अथॉरिटी थी। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स पर अपेलेंट ने ये चारों कंडीशंस फुलफिल किए, इसीलिए वो अपने हक में हुई हुई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को बचाने के लिए सेक्शन 41 की प्रोटेक्शन अवेल कर सकते थे। हक नवाज एक्सेट्रा अगेंस्ट बनारस एक्सेट्रा। कुछ रिस्पोंडेंट्स ने लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ रेगुलर सेकंड अपील फाइल की जिसमें फौरा बिलो की कॉन्करेंट जजमेंट्स के खिलाफ अपील अलाउ हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि एक पर्दा नशीन लेडी के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं फॉर अ वैलिड एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटर्नी फॉर सेल। जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन खान ने कहा कि एक पर्दा नशीं औरत के हाथों एक पावर ऑफ अटर्नी फॉर सेल की वैलिड एग्जीक्यूशन के लिए ये इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है कि वो इस हवाले से फुली कॉन्शियस थी कि उस डॉक्यूमेंट में पावर टू सेल मौजूद थी और वो सारा डॉक्यूमेंट उसके सामने पढ़ा जाए और उसे समझाया जाए। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी था कि उसने ये सब अंडर एन इंडिपेंडेंट एडवाइस किया हो और ये कि डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस और इम्प्लीकेशन से वो फुली अवेयर और कॉन्शियस हो। लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग वर्सेस सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर्स ने लर्न जज इन चेंबर के ऑर्डर के खिलाफ ICS फाइल की। लर्न जज के ऑर्डर में उन्होंने एक रिट पिटिशन डिसमिस की और दूसरे रिट पिटिशन को ये कहकर डिस्पोज कर दिया कि पंजाब असेंबली के स्पीकर ने जो ऑर्डर पास किया वो इलीगल था। साथ साथ उन्होंने पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर को ये डायरेक्शन दिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 130 क्लॉज 3 को रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब 1997 के रूल 20 के साथ पढ़ते हुए 16 अप्रैल को चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन करवाए। इस ICA में कोर्ट के सामने चार मेन इशूज थे। पहला इशू ये था कि जब स्पीकर असेंबली पर प्रिजाइड ना कर सके तो क्या डेप्यूटी स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 53 क्लॉज 3 के नीचे स्पीकर के इख्तियारात एक्सरसाइज कर सकता है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 53 क्लॉज 3 स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर के ऑफिस में वैकेंसी के साथ डील करता है। इस आर्टिकल के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के मुताबिक जब स्पीकर का ऑफिस वेकेंट हो या स्पीकर किसी भी वजह से अपने फंक्शंस परफॉर्म ना कर सके तो डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर के तौर पर एक्ट करेंगे। इस आर्टिकल के दूसरे हिस्से के मुताबिक जब डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस वेकेंट हो तो 1997 के रूल्स के मुताबिक एक मेंबर असेंबली की मीटिंग पर प्रिजाइड करेगा। 1997 के रूल्स के रूल 5, 12 और 14 के तहत स्पीकर की एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर ही असेंबली का सेशन चेयर करेंगे। केस का सेकेंड इशू ये था कि असेंबली का सेशन पैनल ऑफ चेयरमैन कब कंडक्ट कर सकते हैं। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि असेंबली का सेशन
पैनल ऑफ चेयरमैन सिर्फ तब कंडक्ट कर सकते हैं जब स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर किसी वजह से अनअवेलेबल हो। केस का तीसरा इशू ये था कि जब डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया हो तो क्या तब भी वो असेंबली के सेशन पर प्रिजाइड कर सकते हैं। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि 1997 के रूल्स के रूल 12(4) के मुताबिक स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर असेंबली के सेशन पर तब प्रिजाइड नहीं कर सकते जब उनके रिमूवल की रेजोल्यूशन कंसिडर की जा रही हो। केस का आखिरी इशू ये था कि क्या पार्लियामेंट की किसी भी प्रोसीडिंग की वैलिडिटी को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है। इस मौजू से मुतल्लिक कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली लिखा है कि पार्लियामेंट की किसी भी प्रोसीडिंग की वैलिडिटी एक कोर्ट ऑफ लॉ के सामने क्वेश्चन नहीं की जा सकती। अलबत्ता प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर का वो ऑर्डर जिसके जरिए वो डिप्टी स्पीकर को दी गई डेलीगेटेड पावर्स विदड्रॉ कर रहे हो उन ऑर्डर्स की कैटेगरी में नहीं आता जिन्हें कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे ऑर्डर्स की वैलिडिटी कोर्ट के सामने क्वेश्चन की जा सकती है। इन्हीं सब इश्यूज की बेसिस पर कोर्ट ने इस अपील को डिस्पोज कर दिया और डिप्टी स्पीकर को डायरेक्ट किया कि वह अपने ओथ के मुताबिक असेंबली में इलेक्शंस करवाए। शेख इमरान अहमद अगेंस्ट द डायरेक्टर जनरल KDA एंड अनदर। पिटिशनर का क्लेम था कि उसने रिस्पॉन्डेंट से 1982 में सूट प्लॉट परचेज किया था जिसकी यूटिलिटी सर्विसेज उसके नाम पे थी और रिस्पॉन्डेंट ने 1990 में नोटिस भेजा कि पिटिशनर एक इनक्रोचर था और प्लॉट वेकेट करे, जिस पर सिविल कोर्ट ने स्टे ग्रांट कर दिया। रिस्पॉन्डेंट ने पिटिशनर को एक अल्टरनेट प्लॉट ऑफर किया जो पिटिशनर ने एक्सेप्ट कर लिया, मगर रिस्पॉन्डेंट ने जल्द रिट्रैक्ट कर लिया। 2011 में रिस्पॉन्डेंट ने प्लॉट पर शॉप्स डिमोलिश कर दी और प्लॉट टेक ओवर कर लिया। 1999 में प्लॉट के हवाले से सूट पिटिशनर के फेवर में डिक्री हुआ, जिसके बाद रिस्पॉन्डेंट की अपील अलाउ हुई। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस मोहम्मद फैसल कमाल आलम ने कहा कि सूट प्लॉट एक ST एमिनिटी प्लॉट था और पिटिशनर उसे परचेज कर ही नहीं सकता था, सिर्फ इस बेसिस पे कि यूटिलिटी बिल्स उसके नाम पर थे वो ओनरशिप नहीं क्लेम कर सकता था और ना ही अलॉटमेंट के लिए ये ग्राउंड्स काफ़ी हैं कि पिटिशनर ने उस पर कोई पक्की कंस्ट्रक्शन की थी, लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन डिसमिस हो गई। लाहौर हाई कोर्ट, तारिक इकबाल मलिक वर्सेस मल्टीप्लायर्स ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड एंड 4 अदर्स। इस पिटिशन के थ्रू पिटिशनर ने पे किया कि SECP को ये डायरेक्ट किया जाए कि वो कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 257 सबसेक्शन 1A(2) के नीचे रिस्पॉन्डेंट कंपनी के अफेयर्स में इन्वेस्टिगेट करे। इस केस के फैक्ट्स पर कोर्ट के सामने तीन मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि क्या कंपनीज एक्ट का सेक्शन 257 कंपनीज एक्ट के सेक्शन 256 को पहले इन्वोक किए बगैर इस्तेमाल हो सकता है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरट्वाइंड के तहत पिटिशनर ने पहले कंपनीज एक्ट के सेक्शन 256 की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है और अपना लोकल स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करना होता है। वो शख्स जिसका कंपनी के अफेयर्स के साथ कोई ताल्लुक ना हो, मसलन कि ना वो कंपनी का मेंबर या शेयर होल्डर हो, इन प्रोविजन पर रिलाय नहीं कर सकता। अगर हर अनकनेक्टेड शख्स को कंपनी के अफेयर्स में इन्वेस्टिगेशन खुलवाने की इजाज़त दे दी जाएगी तो इससे फ्लडगेट्स ऑफ लिटिगेशन खुल जाएंगे और कंपनी की रेपुटेशन सफ़र करेगी। इसके साथ तीन और कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। पहला ये कि जब भी किसी कंपनी की किसी थर्ड पार्टी के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी, कंपनी के अफेयर्स में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा ये कि कंपनी और थर्ड पार्टी के दरमियान एक नॉर्मल बिजनेस डिस्प्यूट पर फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन खुल जाएगी। और तीसरा ये कि वो तमाम लॉज जो कि कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को कंसर्न करते हैं, रिडंडेंट और यूजलेस हो जाएंगे क्योंकि इनके इस्तेमाल के बगैर ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा इशू ये था कि क्या SECP की सेक्शन 257 के तहत पावर्स सेक्शन 256 की पावर से डेट्रीमेंटली इफेक्ट होती है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 257 के तहत SECP की कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करने की पावर कमीशन की सेक्शन 256 के तहत पावर्स को प्रेजुडिशियली इफेक्ट नहीं करता। ये बात सच है कि ये दोनों प्रोविजंस बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है, लेकिन दोनों प्रोविजंस में कमीशन के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के इख्तियार डिफरेंट सर्कमस्टांसिस से निकलते हैं। सेक्शन 256 की पावर्स तब इन्वोक की जाती है जब कंपनी के मेंबर्स कोई एप्लीकेशन फाइल करें या सेक्शन 221 सबसेक्शन 5 या सेक्शन 254 सबसेक्शन 6 में से कोई एक सेक्शन इन्वोक हुआ हो। दूसरी जानब कमीशन सेक्शन 257 के तहत इन्वेस्टिगेशन अपनी खुद की इंक्वायरी और अपने इंडिपेंडेंट माइंड की एप्लीकेशन पर स्टार्ट कर सकता है। इस केस में आखिरी इशू ये था कि क्या कमीशन अपना ओपिनियन फॉर्म किए बगैर सेक्शन 257 के तहत एक शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। इस सिलसिले में कोर्ट ने कहा कि कमीशन इन्वेस्टिगेशन एक इनडायरेक्ट लंबे रूट से नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि कमीशन ये नहीं कर सकता कि पहले वो एक कंप्लेंट रिसीव करे और फिर वो इस कंप्लेंट की बेसिस पर अनरीजनेबली और अपनी मर्जी से कंपनी पर एक शो कॉज नोटिस सर्व कर दे। सेक्शन 257 के नीचे पावर्स एक्सरसाइज करने से पहले कमीशन का अपना ओपिनियन फॉर्म करना लाजमी है, जिसके बाद ही वो शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं।
इन्हीं सब इश्यूज के बेसिस पर कोर्ट ने इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया। अब्दुल गनी खेतरा एंड अनादर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान थ्रू सेक्रेटरी इरीगेशन डिपार्टमेंट एंड अनादर। पिटिशनर एक प्री क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर था और कंस्ट्रक्शन ऑफ 10 वाटर डैम्स इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स इनटू 4 कॉन्ट्रैक्ट्स की मर्जिंग से एग्रीव था। चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अब्दुल हमीद बलोच ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कैरी करें वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल होने चाहिए और इन एस्पेक्ट्स पर जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ 10 डैम्स इनटू 4 कॉन्ट्रैक्ट्स की मर्जिंग को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किया कि वो नोटिस इशू करके टेंडर्स इन्वाइट करें फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 10 dams as 10 different projects. लिहाजा constitutional petition allow हो गई। मोहम्मद यूसुफ versus province of सिंध PLD 2022 सिंध 138। ये केस सिंध हाई कोर्ट के सामने एक constitutional petition के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर कुछ एग्रीकल्चरल लैंड ओन करते थे और उन्होंने 2006 में इस हवाले से एक सूट फॉर डिक्लेरेशन और पोजेशन फाइल किया। अलबत्ता इस सूट को CPC के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत डिसमिस कर दिया गया। इस सिलसिले में पिटिशनर ने लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू जामशोरो के सामने एक एप्लीकेशन मूव की। अलबत्ता डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने 2010 के एक ऑर्डर के थ्रू कहा कि पिटिशनर्स का इस लैंड के ऊपर क्लेम बेसलेस है और पिटिशनर्स की एप्लीकेशन डिसमिस कर दी गई। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन में पिटिशनर्स ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के इस 2010 वाले ऑर्डर को ही चैलेंज किया। अलबत्ता रिस्पोंडेंट्स के मुताबिक ये पिटिशन मेंटेनेबल नहीं थी क्योंकि हाई कोर्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में टाइटल का डिस्प्यूट डिसाइड नहीं कर सकता। इसके साथ साथ अगर पिटिशनर्स को लग रहा था कि उनकी लैंड पर कोई इंक्रोचमेंट हुई है तो रिस्पोंडेंट्स के मुताबिक वो रेंट रेवेन्यू लॉ के नीचे अपनी रेमेडी सीक कर सकते थे। इस केस में हाई कोर्ट के सामने एक मेन इशू था, वो ये क्या हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में पिटिशनर्स के लिए कोई कॉम्पनसेशन ऑर्डर कर सकता था जब उनके पास रेवेन्यू लॉ में एक अल्टरनेटिव रेमेडी थी। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर्स के सामने रेंट रेवेन्यू लॉस के तहत एक रेमेडी थी जो कि उन्होंने अवेल नहीं की। केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर्स ने पहले जमीन के लिए सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया जो कि डिसमिस हो गया और इस हवाले से एक अपील भी डिसमिस कर दी गई। इसके अलावा रेवेन्यू अथॉरिटी के सामने प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी गई थी लेकिन ये एप्लीकेशन डिसमिस हो गई। पिटिशनर्स ने रेवेन्यू लॉ की हायरार्की में इस डिसमिसल को अपील नहीं किया क्योंकि पिटिशनर ने पहले अपनी सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट नहीं की, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते थे। इसके अलावा क्योंकि अभी सूट के कुछ इश्यूज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग थे, हाई कोर्ट इन पर कंक्लूसिवली कुछ नहीं कह सकता था और ये पिटिशन डिसमिस कर दी गई। NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड अगेंस्ट एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस एक्सेट्रा। इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन के जरिए पिटिशनर ने एडिशनल सेशंस जज के ऑर्डर को चैलेंज किया है जिसमें सेक्शन 22A, 22B CRPC के अंडर एक डायरेक्शन टू लॉज FIR अंडर सेक्शन 489F PPC की उसकी एप्लीकेशन डिसमिस हो गई थी। अब अदालत के सामने पहला सवाल ये था कि सेक्शन 489F PPC के अंडर क्या तीनों इंग्रेडिएंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस का मौजूद होना ज़रूरी है। दूसरा ये कि जो चेक माइक्रो फाइनेंस बैंक ने इशू किया सेक्शन 489F के पर्पसेस के लिए, क्या वो चेक का क्राइटेरिया पूरा करता है। तीसरा ये कि क्या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 3(2) सेक्शन 489F PPC की एप्लीकेशन को बार करता है। जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने पहले सवाल पे कहा कि सेक्शन 489F PPC के अंडर तीनों इंग्रेडिएंट्स का मौजूद होना ज़रूरी है, एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ इशुएंस ऑफ चेक, इशूड चेक का पर्पस रीपेमेंट ऑफ लोन होना और चेक का डिसऑनर होना। दूसरा ये कि इस केस में जो चेक माइक्रो फाइनेंस बैंक ने इशू किया सेक्शन 489F के पर्पसेस के लिए, वो चेक का क्राइटेरिया पूरा करता है। और तीसरा ये कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 3(2) सेक्शन 489F PPC की एप्लीकेशन को बार नहीं करता टू माइक्रो फाइनेंस बैंक्स। साइरस कोवास्ट्री एंड टू अदर्स वर्सेस कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन PLD 2022 सिंध 106। ये केस सिंध हाई कोर्ट के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर्स नंबर 2 और 3 के दादा ने कुछ प्रॉपर्टी विल के थ्रू अपने 3 बेटों के नाम की। अलबत्ता इनमें से एक बेटे आर्दशक कोवास्ट्री की जल्द ही डेथ हो गई और आर्दशक कोवास्ट्री ने भी अपनी प्रॉपर्टी विल के थ्रू अपने 2 बच्चों जो कि पिटिशनर्स नंबर 2 और 3 थे उनके नाम कर दी। अब जब पिटिशनर्स लैंड रिकॉर्ड में अपना नाम ओनर्स की जगह पर रिकॉर्ड करवाने गए तो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने उन्हें तकरीबन 12 लाख रुपए का चालान दे दिया। इस केस में कोर्ट के सामने 2 मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि क्या विल के थ्रू इनहेरिट की गई प्रॉपर्टी पर
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 5 अप्लाई होता है। दूसरा इशू ये था कि क्या कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत म्यूटेशन चार्जेस कलेक्ट करने की अथॉरिटी थी और फिस्कल स्टैट्यूट्स को किस तरह इंटरप्रेट करना चाहिए। केस के पहले इशू पर कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 5 के तहत ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक ऐसा एक्ट जिसके थ्रू एक लिविंग पर्सन हाल में या मुस्तकबिल में अपनी प्रॉपर्टी एक या इससे ज्यादा लोग के नाम ट्रांसफर करता है। अलबत्ता जब कोई शख्स विल के थ्रू प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है तो लॉ के ऑपरेशन के मुताबिक उसे ये प्रॉपर्टी ओरिजिनल टाइटल होल्डर की डेथ के बाद ट्रांसमिट हो जाती है। ये प्रॉपर्टी खुद ब खुद ही डिसीज के लीगल हेयर्स को ट्रांसमिट हो जाती है और ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक लव्स ट्रांसमिशन का मतलब है हेयर को उसके इनहेरिटेंस मिलना। क्योंकि इस केस में डिस्प्यूट नहीं किया गया था कि पिटिशनर्स को ये प्रॉपर्टी विल के थ्रू मिली, ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस ही थी और जो भी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के थ्रू हासिल की जाए वो 1882 के एक्ट के सेक्शन 5 के तहत अंडर ट्रांसफर नहीं होती। केस के दूसरे इशू पर कोर्ट ने कहा कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के सेक्शन 96 और 103 के तहत KMC टैक्सेस और रेंट्स लेवी कर सकती थी और इसी एक्ट के स्केड्यूल 5 पार्ट 1 आइटम नंबर 12 के मुताबिक KMC इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर टैक्स इंपोज कर सकती थी। इसके अलावा पीपल्स लोकल काउंसिल लैंड रूल्स 1975 के तहत सेल प्राइस के 2% का इक्वल अमाउंट म्यूटेशन फी के तौर पर चार्ज हो सकती है। अलबत्ता सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि 1975 के रूल्स 2013 की एक्ट की प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं कर सकते, ना ही प्रेजेंट केस के फैक्ट्स पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ था जो कि 2013 की एक्ट की प्रोविजंस को ट्रैक करता और ना ही कोई सेल प्राइस थी जिसकी रेफरेंस से कम्यूटेशन फी कैलकुलेट की जा सकती थी। इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि फिस्कल स्टैट्यूट्स को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाता है। जब तक लॉ में क्लियर वर्ड्स में कोई चार्ज या टैक्स इम्पोज करने की अथॉरिटी ना दी जाए तो ये इम्पोज नहीं किया जा सकता और अगर लॉ में कोई एम्बिग्विटी हो तो इसका बेनिफिट उन्हें देना चाहिए जिनके ऊपर ये चार्ज या टैक्स इम्पोज किया जा रहा हो। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर्स को जो बैंक चालान जारी किया गया था वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी था। मास्को स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड अगेंस्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेट्रा। पिटिशनर्स इसमें और कनेक्टेड पिटिशन में नेचुरल गैस की यूटिलिटी बिल्स में एरियर्स ऑफ टैक्स चार्ज करने से एग्रीव्ड हैं। अदालत के सामने पहला सवाल ये था कि रिकवरी ऑफ टैक्स एज एरियर्स और अदरवाइज कैसे डिटरमिन होगा। दूसरा ये कि क्या रिकवरी ऑफ एरियर्स सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस के कॉलम में मेंशन करने से एरियर्स ऑफ टैक्स रिकवर हो सकते हैं। तीसरा ये कि क्या एरियर्स ऑफ टैक्स यूटिलिटी बिल से रिकवर हो सकते हैं। जस्टिस शाहिद जमील खान ने पहले सवाल पे कहा कि रिकवरी ऑफ टैक्स एज एरियर्स और अदरवाइज डिटरमिन करने के लिए असेसमेंट प्रोविजन इनवोक करनी होंगी। दूसरा ये कि रिकवरी ऑफ एरियर्स सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस के कॉलम में मेंशन करने से एरियर्स ऑफ टैक्स रिकवर नहीं हो सकते। और तीसरा ये कि यूटिलिटी बिल के थ्रू किसी भी टैक्स की रिकवरी के लिए बिल इशूइंग अथॉरिटी को खुद को सेटिस्फाई करना होगा कि वो इंस्ट्रक्शन टैक्स डिटरमिन करने के लिए एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर के ऑर्डर पे बेस्ड है और रिकवरेबल टैक्स के पर्टिकुलर्स फुली डिस्क्लोज्ड हैं। और इसके साथ ही आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए केसेस के साथ।